जय माता दी। हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो फिजिक्स है हमारा वो उसका एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, जो है आपका एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। ओके, तो आज आप लोगों का एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड में स्वागत है और हम फिजिक्स का इसमें सबसे पहले प्लस टू क्लास के लिए शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिजिक्स की शुरुआत सबसे पहले प्लस टू के लिए होगी जिसमें हम प्लस टू के एग्जाम्स बोर्ड के हिसाब से कि जो बोर्ड में जो आपके एग्जाम लिए जाएंगे प्लस टू के स्पेशली फॉर हरियाणा बोर्ड हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। और जो हरियाणा बोर्ड में एग्जाम्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस ही आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है, ठीक है, उसी बेस पे हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। ओके जी, और सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपका फिजिक्स का प्लस टू का जो एग्जाम पैटर्न के बेस पे हम एक फिजिक्स का रैंडम टेस्ट रखने जा रहे हैं, ठीक है। और वो रैंडम टेस्ट हमने एक्चुअल में आप लोगों को दे दिया है, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे अभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका रैंडम टेस्ट होगा फिजिक्स का जो भी हमने पढ़ा रखा है, आप उसी बेस पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले रैंडम टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस रैंडम टेस्ट में जो क्वेश्चंस है उनकी वॉइस पैटर्न रेडी करेंगे, उनकी वॉइस बनाएंगे, ओके, ताकि आने वाले टाइम में आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। खुद की बनाई हुई वॉइस काफी अच्छी लगती है हमें, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का, आप लोगों को पक्का वॉइस बनानी ही है, ओके जी। और तीसरी बात क्या रहेगी, जो आपकी तीसरी बात यही थी कि हमें वॉइस बनानी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही है। और हाँ, अपने दिमाग पे जब स्ट्रेस आए ना, ठीक है, उसको मेंटेन करते हुए, क्योंकि अगर आप रोक करना चाहते हो, सच में जीनियस वर्क करना चाहते हो, स्टडी को इफेक्टिव वे में लेके आना चाहते हो, तो आप लोगों को ये करना ही होगा, ठीक है। और मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप ये कर दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आप लोग उसकी वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा पैटर्न हमने यहाँ रख रखा है कि सबसे पहले आपका वेलकम है, जय माता दी, यू आर वेलकम इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड, ठीक है, और स्पेशल फॉर प्लस टू क्लास है ये, ओके। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका रैंडम टेस्ट होगा फिजिक्स का, ठीक है, जो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, ओके जी। इस रैंडम टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग इच यूनिट का जो आपकी फिजिक्स की अप्रोक्स 10 यूनिट्स माने और एनसीईआरटी के बेस पे आपके डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन इच यूनिट का आप यूनिट वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। रैंडम टेस्ट होने के बाद जस्ट आपका यूनिट टेस्ट होगा, जैसे कल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, फिर मैग्नेटिज्म का लेंगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर चलेगी, उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर भी देखेंगे, ओके। इस तरीके से आपकी फिजिक्स अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो बोर्ड का पैटर्न है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, आपका रैंडम टेस्ट हो गया, उसके बाद इच यूनिट टेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कंटिन्यू होते रहेंगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप वो रहेगा आपका वॉइस फॉर्मेशन, आप इच टेस्ट की वॉइस बनाएंगे, ठीक है। वॉइस बना के मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे, सबसे बड़ा टास्क है ये भी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को करना ही है, ओके। हर टेस्ट का रैंडम टेस्ट की वॉइस बनाएंगे, अगर आपके क्वेश्चंस ज्यादा है किसी टेस्ट में तो आप लोग क्या करेंगे, पांच पांच क्वेश्चंस की वॉइस बनाएंगे, पांच, ओके, डन। उसके बाद आप इच टेस्ट की वॉइस बनाएंगे, जो आपका नेट टेस्ट वॉइस की वॉइस बनाएंगे, और ये काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर टेस्ट को, हर यूनिट टेस्ट को, रैंडम टेस्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक, वो आपके ऑफलाइन क्लासेज में रहेगा, ओके। अब आप लोग अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए, उसके बाद वॉइस बनाइए और अपना काम कंप्लीट कीजिए, यही आपका वर्किंग पैटर्न रहेगा। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो फिजिक्स है केमिस्ट्री की तरह, जो आपका फिजिक्स है उसमें भी आप अच्छा वर्क कर पाएंगे, ओके जी, यही आपको करना है। एक और खास बात, फिजिक्स के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा आईक्यू लेवल दिखाना पड़ेगा,
क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है फिजिक्स में, और फिजिक्स भाई सबसे खतरनाक सब्जेक्ट रहता है जनरली मेडिकल वालों के लिए। ओके, हमें क्या करना है, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्चुअल में हम जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा वर्क हम कर पाएंगे। ओके, तो आई होप सो एंड एक्सपेक्टेशंस दैट कि मेरी आशाएं हैं आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से वर्क कर पाएंगे, डेफिनेटली आप अच्छे से टेस्ट देंगे, आप अच्छे से वॉइस बनाएंगे, ठीक है। इसी के लिए आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव, यू डायरेक्ट टेल मी, आप सीधा मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए और सोल्यूशन पाइए, ठीक है। समाधान करना हमारा काम है, प्रॉब्लम को लेके आना आपका काम है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट पूछिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड आपके फिजिक्स को हम कंप्लीटली बड़ा अच्छे से डील करेंगे। ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।